गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक टेक्सटाइल डिज़ाइन थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए है, जो कि टेक्सटाइल क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज के दिन हम स्ट्रिप टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रिप टेस्ट की टेस्टिंग में कुछ कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे फैब्रिक का सैंपल साइज कितना होगा, सैंपल साइज क्या होगा जो कि स्टैंडर्ड होगा। फैब्रिक के सैंपल साइज में, जो फैब्रिक की सैंपल साइज होगी उसमें उसकी विड्थ होगी 2.5 इंचेस एंड उसकी लेंथ होगी 8 इंचेस। लेकिन स्टैंडर्ड साइज में फैब्रिक की विड्थ 2 इंचेस ही रखेंगे। 2.5 इंचेस इसलिए रखते हैं क्योंकि उसको 2 इंचेस हमें बनाना होता है। अब 2 इंचेस बनाने के लिए हमें 2.5 इंचेस के सैंपल को 2 इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये होगा कैसे, जो फैब्रिक का सैंपल होगा उसमें से कुछ थ्रेड्स को हम निकाल देंगे, उसकी साइज़ हो जाएगी हमारी 2 इंचेस की। उसके बाद फिर हम उसकी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्ट्रिप की टेस्टिंग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये इसका लोड सेल है, मीन्स यहाँ से लोड अप्लाई होता है। ये स्पेसिमेन है, यानी सैंपल है जिसकी टेस्टिंग हमें करनी है। ये पोर्शन हमारा टॉप जॉ है जो कि मूव करता है। ये बॉटम जॉ है जो कि फिक्स रहता है। जब भी हम लोड को अप्लाई करेंगे सैंपल पर, तब उस समय पे लोड के डायरेक्शन में जो भी क्रिम्प होगा वो होगा रिड्यूस, और जो ट्रेवर्स डायरेक्शन में होगा वो क्रिम्प उसका इंक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिम्प इंटरचेंज प्रोसेस कहते हैं। क्रिम्प इंटरचेंज प्रोसेस कहते हैं। अब देखेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी। जब हम लोड अप्लाई करेंगे उसमें टेंशन क्रिएट होगा, क्योंकि ये बॉटम जॉ इसकी फिक्स रहेगी और टॉप जॉ उसकी मूव करेगी। जब मूव करेगी तो तब तक इसको तनाव देंगे जब तक कि ये सैंपल का साइज कहीं से ब्रेक ना हो जाए। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे कि अगर कॉन्टैक्ट लाइन के 0.25 इंचेस अंडर में ही वो अगर ब्रेक होता है तब वो कंडीशन नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। नॉर्मल कंडीशन ब्रेकेज कहलाती है, जो कि एवरेज से बिलो होती है, राइट? अब अगर इस चीज़ को हम इससे ज़्यादा हुआ तब हम उसको क्या करेंगे, वो पॉइंट हम नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर ब्रेकिंग लोड और ब्रेकिंग एक्सटेंशन देखना है सैंपल का, तब हम उसके लिए सैंपल की वापस से टेस्टिंग करेंगे। ओके, टेस्टिंग किन किन बातों पर डिपेंड करती है? टेस्टिंग डिपेंड करती है फैब्रिक के रॉ मटेरियल पे डिपेंड करती है, फर्स्ट। सेकंड, यार्न के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। थर्ड हमारा फैब्रिक के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है वो है हमारा फैब्रिक की फिनिश, जिस पे ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। अब आती है कि रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, यार्न का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फैब्रिक का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और फैब्रिक की फिनिश कैसी होनी चाहिए। तो जो फैब्रिक का रॉ मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है